महंगाई की मार के बीच आम की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार भी आम की आमद आधे से कम हो रही है। आम की पैदावार बेहद कमजोर होने के कारण स्थानीय मंडी में लगभग 30% आम ही आ पा रहा है। उत्पादक क्षेत्रों में बेमौसम आंधी तूफान का उत्पादन पर गहरा असर हुआ है। फल विक्रेताओं ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि दाम बढ़ने के कारण ग्राहकों की क्रय शक्ति कमजोर हुई है। इस वजह से वे उतना ही ऑर्डर कर रहे हैं जितना की खपत हो सके। मंडी में इस समय दक्षिण भारत के विजयवाड़ा, दामनचूर से बादाम एवं तोतापरी की आमद हो रही है। बादाम होलसेल में 60 रुपये से 70 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वहीं रिटेल में इसकी कीमत 100 से 120 रुपये बोली जा रही है। इसी प्रकार तोतापरी आम थोक में 30 रुपये से 40 रुपये तथा रिटेल में 60 से 80 रुपये प्रति किलो के भाव बिक रहे हैं। फल कारोबारियों के मुताबिक मंडी में पिछले 2-3 दिन से गुजरात का केसर आम भी आने लगा है। थोक में ही लगभग इसकी कीमत 110 से 130 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं खुले बाजार में आने के बाद इसका भाव 200 रुपए तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है।